टाटा आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच भिड़ंत होगी। राजस्थान रॉयल्स ने अपना आखिरी मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला था, जहां गुजरात टाइटंस ने उन्हें 7 विकेट से हराया था। उस मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए जोश बटलर ने 89 रन तो वहीं संजू सैमसन ने 47 रन की पारी खेली थी। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपना आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर में खेला, जहां उन्होंने 14 रन से मैच जीता था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए रजत पाटीदार ने शानदार 112 रनों की पारी खेली थी। वहीं गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने 3 विकेट हासिल किए थे। दोनों टीमों ने इस सीजन में एक दूसरे के खिलाफ 2 मैच खेले हैं और एक एक मुकाबला जीता है। बता दें कि इस गेम का विजेता फाइनल में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगा, जबकि हारने वाला टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि इस मैच में शामिल हो रहे उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें चुनकर आप एक मजबूत ड्रीम 11 टीम बना सकते हैं। सबसे पहले बात विकेटकीपर की। विकेटकीपर के रूप में आप जोश बटलर और दिनेश कार्तिक को अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। बटलर ने इस सीजन 3 शतक और 4 अर्धशतक के साथ 718 रन बनाए हैं। वहीं कार्तिक ने अभी तक 57 की औसत से 284 रन बनाकर एक अच्छे फिनिशर का रोल बखूबी निभाया है। अब बात करते हैं बल्लेबाजों की। बल्लेबाजों में आप फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार और देवदत्त पडिकल के तरफ जा सकते हैं। डुप्लेसी भले ही पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके हों, लेकिन वो 443 रन के साथ आरसीबी के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और वहीं विराट कोहली से एक बार फिर सबको उम्मीदें होंगी। रजत पाटीदार ने पिछले मुकाबले जिस तरह की बल्लेबाजी की तो उनका नाम इसमें शामिल होना बनता ही था। वहीं पाडिकल भी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल और आर अश्विन अच्छे विकल्प हो सकते हैं। दोनों ही आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। अब बात गेंदबाजों की। गेंदबाजी में आप चहल, हर्षल पटेल और हेजलवुड के साथ जा सकते हैं। जब जब दोनों टीमों को विकेट की जरूरत पड़ी है, इन तीनों गेंदबाजों ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से टीम को विकेट निकाल कर दिए हैं। बात करते हैं टीम के कप्तान और उप कप्तान को चुनने की। कप्तान के लिए मैक्सवेल अच्छा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में पॉइंट्स दिला सकते हैं। और वहीं उप कप्तान की बात करें तो जोश बटलर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इनका बल्ला पिछले मुकाबले में जमकर चला था, तो ऐसे में ये आपको अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पूरी ड्रीम 11 टीम आपको बता देते हैं। जोश बटलर उप कप्तान, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिकल, ग्लेन मैक्सवेल कप्तान, अश्विन, चहल, हर्षल पटेल और हेजलवुड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।